हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हमारा लेजर अकाउंट्स को कंटिन्यू करेगा। आज जो मैं आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ, वो सारी ट्रांजैक्शंस जीएसटी के ऊपर हैं। आज हम जीएसटी की जनरल एंट्रीज़ भी देखेंगे, फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और उन जनरल एंट्रीज़ को हमने पोस्ट करेंगे लेजर में, जीएसटी वाली एंट्रीज़ को, और जीएसटी एंट्रीज़ को हम ट्रायल बैलेंस में भी पोस्ट करेंगे। तो चलिए सीखते हैं जीएसटी ट्रांजेक्शन्स, जीएसटी पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लेके आया हूँ। इन सभी ट्रांजेक्शन्स में मैंने जीएसटी इन्वॉल्व किया है। मैं चाहता हूँ जीएसटी को आप बार बार करें, अच्छे से करें। हम इन ट्रांजेक्शन्स की मैंने जनरल एंट्रीज बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव मेरा जनरल एंट्री बनाना नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे लेजर बनाना, लेकिन फिर भी हम जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे और जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल दिल्ली फॉर अप्रैल 2020, पोस्ट देम इन लेजर एंड ट्रायल बैलेंस विद जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% एंड आईजीएसटी एट द रेट 12%। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिसकी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कहाँ को बिलोंग करता है, मीन्स किस स्टेट से बिलोंग करता है। हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शंस कमल की, जो दिल्ली का है। इट मींस अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस हैं, मींस जो विद इन दिल्ली की हैं, उसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे, और जो इंटर स्टेट हैं, यानी कि जो दिल्ली से बाहर की स्टेट्स की हैं, उसमें हम आईजीएसटी लगाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में हर एंट्री में ये नहीं लिखा होगा कि इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये आपने देखना है किस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा। जो भी ट्रांजेक्शन परचेज की है, सेल की है, उसमें आपने सीजीएसटी, जीएसटी या आईजीएसटी लगाना ही है। तो अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, फिर जनरल एंट्री करते हैं उसकी। तो पहली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1, 2020। ये सारी ट्रांजेक्शन अप्रैल के महीने की है। कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो कुछ नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख की। दूसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाइए, 2 अप्रैल की है। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000। गुड्स खरीदा है हमने ₹30,000 का। इट मींस कि ये विद इन दिल्ली की है, तो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में सिर्फ परचेजेस में हम क्या लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो हमने परचेजेस थी 30,000 की, इसके ऊपर 6% और 6% हमने सीजीएसटी और आईजीएसटी लगा दिया, 1800 1800। तो जो टोटल कैश पेमेंट करनी पड़ेगी वो 33,600 की करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। हमने गुड्स सोल्ड किया है 40,000 का। यहाँ पे भी ये नहीं लिखा है कि ये दिल्ली से बाहर का है, इट मीन्स विद इन स्टेट सेल हुई है, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के नीचे क्योंकि सेल हुई है इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगा दिया। 40,000 की एक्चुअल सेल थी, तो हमने 40,000 लिखा और इस पर 6% हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया। तो 2,400 टोटल जो कैश सेल हुई है वो 44,800 रुपीज की हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और आगे चले, मैं दूसरा स्क्रीन पे चलता हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम, बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्य ऑफ कानपुर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य जो है कानपुर का है, उससे 30,000 पे लिया है, क्रेडिट में गुड्स लिया है। तो क्रेडिट में लिया है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट तो है ही हमारा, परचेज को डेबिट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी, और सूर्य को हमने क्रेडिट कर दिया। और आगे चलते हैं, गुड्स सोल्ड टू राकेश दिल्ली ऑन क्रेडिट 25,000। गुड्स जो है 25,000 में क्रेडिट में बेचा है, दिल्ली का ही है राकेश, तो हमने राकेश अकाउंट को डेबिट कर दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट आउटपुट सेल्स के नीचे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो 25,000 पे 6% लगाया जीएसटी, 6% लगाया ₹1,500, और एसजीएसटी भी 6% ₹1,500। तो टोटल जो सेल राकेश को जो डेटर बना हमारा वो 28,000 से बन गया। और आगे चलते हैं, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000
फ्रॉम राज फरीदाबाद हरियाणा एंड पेड बाय चेक। मशीन खरीदी है, पेमेंट हमने चेक से कर दी है, तो क्या एंट्री बनाएंगे? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि दूसरी स्टेट का है, आईजीएसटी लगा, टू कैश अकाउंट, तो 12% आईजीएसटी 2400, टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी चेक से वो 22400 की होगी पेमेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, 23 अप्रैल की है, गुड्स रिटर्न टू सूर्या ₹5000। सूर्या क्योंकि बाहर का था, कानपुर का था, यूपी का था, जब हम उसको परचेज रिटर्न करेंगे तो हम उसके साथ आईजीएसटी करेंगे, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेजेस को रिटर्न किया है और हमारा जो इनपुट था जिसको हमने पहले डेबिट किया हुआ था हम उसको रिवर्स करेंगे। तो सूर्य अकाउंट को हमने डेबिट किया, परचेज कितने रुपए का सामान था, 5000 रुपए का था, इसके ऊपर 12% हमने लगा दिया ₹600 और सूर्य को डेबिट कर दिया ₹5600 से। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, पेड टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ₹27500। सूर्या को हमने 28000 देने थे, जो हमने उसका परचेज रिटर्न किया 5600 माइनस करके हमने 28000 देने थे, तो 28000 अगर हमने देने थे और दिए हैं चेक से दिए 27500, इट मींस हमें डिस्काउंट मिला है ₹500 का। तो सूर्य अकाउंट डेबिट हमने किया और बैंक से पेमेंट किया 27500। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न बाय राकेश ₹4000। राकेश को हमने जो सेल करी थी, अब राकेश ने हमारे को वापस किया है, इट मीन सेल्स रिटर्न है हमारे केस में, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4000। सेल्स रिटर्न किया तो हमें जो आउटपुट जो जीएसटी का था वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमने उसको आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट कर दिया, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट कर दिया 6% के हिसाब से, राकेश को हमने क्रेडिट कर दिया ₹4480 के हिसाब से। क्लियर है? और आगे चलें, लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश 23000 इन फुल सेटलमेंट। राकेश ने से हमने ₹23000 लिए हैं, राकेश से लेने थे 23520 और राकेश को हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए खर्चा हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 23000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 520 और टू राकेश 23520। तो ये हमारी सारा जनरल एंट्रीज थी। अब इन जनरल एंट्रीज को हमने लेजर में बनाना है, तो चलिए अब हम इस जनरल एंट्रीज को हम लेजर में पुट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। पहली एंट्री हमारी 1 अप्रैल की डेट में 2020 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000 से। तो हमारा ये परफॉर्मा है लेजर का, हमने बनाया सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट हो रहा है ₹1,00,000, तो हम ₹1,00,000 डेबिट में दिखा देंगे 1 अप्रैल की डेट 2020 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कैपिटल अकाउंट है, तो हम यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000 ऐसे हमने लिख दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, कैपिटल अकाउंट एक और बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में ₹1,00,000 हमारा क्रेडिट साइड में है, तो हम यहां लिख देंगे बाय कैश, कैपिटल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है कैश की है और डेट है April 1st। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 30000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ 30000 से। परचेजेस किए हैं तो परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है, तो चलिए हम बनाते हैं। परचेज अकाउंट हमारा है 30000 से ये डेबिट हुआ है और टू कैश अकाउंट और डेट है हमारी 2 अप्रैल। ठीक है, ये वाली एंट्री हमारी हुई। अब हम बनाते हैं इनपुट
इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और एक बनाएंगे हम इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी 1800 से डेबिट हुआ हुआ है और इनपुट एसजीएसटी भी 1800 से डेबिट हुआ हुआ है। 2 अप्रैल की डेट, 2 तारीख की डेट और 2 कैश अकाउंट दोनों में हमने लिख दिया 2 कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसकी एक एंट्री और बाकी है, कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है 33,600 से, तो हम कैश अकाउंट को 33,600 से डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे बाय, यहाँ पे इन तीनों का रेफरेंस देना पड़ेगा हमें, परचेजेस भी बाय, परचेजेस कितने की है 30,000 की, बाय इनपुट सीजीएसटी 1800 और फिर 1800 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इन तीनों को आप बाहर भी लिख सकते हो डायरेक्टली 33,000 1800 1800 यहाँ भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो जैसे हमने लिखा हुआ, ये आपके ऊपर है। और ये हमारी डेट आ गई 2 अप्रैल, ठीक है। हमारी 2 एंट्रीज पूरी हो गई, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलें, 4 अप्रैल की डेट है, कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, चलो हम डेबिट कर देते हैं 44,000 8800 से हमने इसको कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। और कैश अकाउंट में 3 चीज़ों को हमने क्रेडिट किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिख लीजिए क्योंकि हम आउटर कॉलम में ऑलरेडी लिख चुके हैं 44,800, 2,400 सीजीएसटी और 2,400 एसजीएसटी। तो इन सब का टोटल आ गया हमारा 44,800 और ये है कौन सी डेट में, 4 अप्रैल की डेट में। अभी तो हमने ये वाली एंट्री स्टूडेंट्स पूरी करी है, अब हमने सेल्स अकाउंट में भी करना है और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये हमारे पास कोई भी नहीं खुला हुआ, ये हमें अभी 3 अकाउंट हमको अभी खोलने हैं। हमने एक अकाउंट खोल लिया सेल्स अकाउंट, एक हम खोल लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और एक हम खोल लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 3 अकाउंट हमने खोल लिए। अब सेल्स अकाउंट को आप स्टूडेंट देखिए, 40,000 से हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 4 तारीख की डेट में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैश अकाउंट है तो हमने कैश अकाउंट लिख दिया, बाय कैश अकाउंट 4 तारीख की डेट में। अब आ जाइए आउटपुट एसजीएसटी को हमने 2,400 से क्रेडिट किया हुआ है, हम भी यहाँ क्रेडिट कर देते हैं, इसको भी 2,400 से किया हुआ है और ये सब एंट्रीज हैं बाय कैश अकाउंट, ये भी है बाय कैश अकाउंट और 4 अप्रैल की डेट, अप्रैल 4 एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। हमारी स्टूडेंट्स ये एंट्री पूरी हो गई है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और सूर्य अकाउंट डेबिट। एक तो हमने परचेज अकाउंट नहीं खोला अभी, तो परचेज अकाउंट भी खोल लेते हैं। परचेज अकाउंट और कौन सा अकाउंट खोलना है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट खोला था हमने, सूर्य एक सूर्य अकाउंट खोल लेते हैं। तो परचेज अकाउंट को हम सबसे पहले डेबिट कर देते हैं 30,000 से और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, हम 2 सूर्य अकाउंट, ठीक है। 7 तारीख की डेट, अप्रैल 7, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट चलिए इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी हमने नहीं खोला हुआ, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो इनपुट आईजीएसटी 3,600 से डेबिट एंट्री है, 2 सूर्य आएगा इसमें,
टू सूर्य 7 तारीख की डेट है, अप्रैल 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी हमने एंट्री कर ली। अब सूर्य अकाउंट जो हमने खोला है 33,600 से हमने इसको क्रेडिट करना है। सूर्य अकाउंट को हमने 33,600 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और इसमें क्या लिखेंगे हम, बाय परचेज अकाउंट कितने से, 30,000 से, और फिर बाय इनपुट IGST अकाउंट 3,600 से, तो ये आ गया हमारा 33,600। तो हमने सूर्या की एंट्री भी कर ली और ये दोनों भी कर ली, हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब चलते हैं हम 10th अप्रैल की डेट में, राकेश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट और टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो ये सब अकाउंट भी हमें खोलने हैं स्टूडेंट्स, तो हम खोल लेते हैं राकेश अकाउंट पहले खोल लेते हैं। राकेश अकाउंट हमने खोला। राकेश अकाउंट को क्या किया हुआ है, 28,000 से हमने इसको डेबिट किया हुआ है, डेबिट किया है। पर इसमें लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर्स में आएगा टू सेल्स अकाउंट 25,000, टू आउटपुट CGST 1,500 और 1,500 हमने लगा दिया SGST आउटपुट, तो इन तीनों का टोटल आ गया 28,000। अभी हमारा सिर्फ से राकेश में डेबिट एंट्री हुआ है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा बना हुआ है 25,000 से हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये हमने बना रखा है सेल्स अकाउंट 10th अप्रैल में, और हम लिखेंगे इसमें बाय राकेश, बाय राकेश लिख दिया हमने 25,000। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट भी हमने बना रखा है 10 तारीख की डेट में, हम दोनों में यहाँ पे 1,500 रुपये लिख देते हैं, बाय राकेश, बाय राकेश 1,500 रुपये। ठीक है, तो हमारी अब ये 10th अप्रैल की एंट्री पूरी हो गई है। आगे चलते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट हमें बनाना पड़ेगा, इनपुट IGST अकाउंट हमने बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो अब हम बना लेते हैं मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बना लिया हमने। मशीन अकाउंट में हम 20,000 से डेबिट कर देंगे मशीन अकाउंट को 15 तारीख की डेट में, और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में हम, टू बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 20,000। अब इनपुट IGST अकाउंट ये हमने बना रखा है, 2,400 से हम इसको डेबिट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, और डेट डाल देते हैं 15। ठीक है, ये एंट्री हो गई, यहाँ हो गई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं बनाया स्टूडेंट हमने अभी, तो बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है 22,400, और इसमें हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, बाय मशीन अकाउंट 20,000 से, और बाय इनपुट IGST 2,400 से, और इनर कॉलम में हमने लिखा टोटल आ गया 22,400। तो हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री चलते हैं 23rd अप्रैल की डेट में, सूर्य अकाउंट हमने बनाया हुआ है। सूर्य अकाउंट में हमने डेबिट करने हैं 5,600 रुपीज़, और इसके पर्टिकुलर्स में हमने लिखना है टू परचेज रिटर्न शॉर्ट में लिख देता हूँ 5,000, और टू इनपुट IGST अकाउंट 600, इन दोनों का टोटल आ गया 5,600। 23rd अप्रैल की डेट में हमने ये वाली एंट्री अभी करी है। अब परचेज रिटर्न अकाउंट हमको एक स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, और इनपुट IGST अकाउंट हमारे पास है,
परचेज रिटर्न अकाउंट भी बना लेते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या है, 5000 रुपीज हमने क्रेडिट में किए हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं 5000 रुपीज और बाय सूर्य सूर्य अकाउंट 23 तारीख की डेट डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया परचेज रिटर्न। अब इनपुट आई जी एस टी अकाउंट हमने खोला हुआ है, ये है इनपुट आई जी एस टी अकाउंट, 600 से हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट आई जी एस टी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बाय सूर्य अकाउंट, सूर्य अकाउंट को हमने 600 रुपीज़ के क्रेडिट किया हुआ है और ये डाल दीजिए 23 तारीख यहाँ पर। ये एंट्री पूरी हो गई स्टूडेंट्स। अब चलते हैं 27 तारीख की डेट में सूर्य अकाउंट, सूर्य अकाउंट तो खुला हुआ है हमारा, सूर्य अकाउंट यस, सूर्य अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है 28000, कर देते हैं हम भी डेबिट 28000 से। और क्या लिखना है इसके पर्टिकुलर्स में, टू बैंक अकाउंट 27500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। ठीक है, 28000 हो गया। और कौन सी डेट में है, ये 27 तारीख में है पूरे का कर दिया एंट्री। अब बैंक अकाउंट में चलते हैं, बैंक अकाउंट हमने खोला था यस 27500 से हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में हम, बाय पूरे अकाउंट और 27 तारीख की हम डेट डाल देंगे। और इसके बाद है एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तो खुला ही नहीं है, एक और अकाउंट हम खोल लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ हमने और पर्टिकुलर्स में हमारा आएगा बाय सूर्य अकाउंट और 27 डेट में। ये भी एंट्री हो गई, ये भी हो गई, दो ट्रांजैक्शंस की एंट्री रह गई है। तो अब इनको भी कर लेते हैं फटाफट। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न हमने खोला हुआ नहीं खोला हुआ, तो एक और अकाउंट खोलिए, अकाउंट तो खुलते रहेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने क्या किया था, 4000 रुपीज से हमने इसको डेबिट किया, तो चलिए कर देते हैं डेबिट। और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, टू राकेश अकाउंट। और आगे चलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी, और ये तो हमने अकाउंट खोले हुए स्टूडेंट, आउटपुट सीजीएसटी को हमने 240 रुपीज से डेबिट किया हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, टू राकेश अकाउंट 29 तारीख की डेट में, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी हमने 240 रुपये से डेबिट किया हुआ है, टू राकेश अकाउंट 29 तारीख की डेट में। ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब एक राकेश अकाउंट हमने खोल, राकेश अकाउंट में हमने क्या करना है, 4480 रुपीज़ हमने क्रेडिट में दिखा देने हैं। और इसमें क्या आएगा आपका, बाय, ये देखिए, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000, बाय आउटपुट सीजीएसटी 240, बाय आउटपुट एसजीएसटी 240, टोटल आ गया 4480। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब लास्ट एंट्री है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है, कैश अकाउंट हमारा खुला हुआ है 23000 से, आप इसको डेबिट कर दीजिए फटाफट 23000 रुपीज़ से। और टू हमने कॉरस्पॉन्डिंग इसका लिखना है, टू राकेश, राकेश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड भी नहीं खुला हुआ हमारा, अब एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स।
खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड को हमने क्या किया हुआ है, 520 रुपीज़ से डेबिट किया हुआ है, तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। और टू राकेश, टू राकेश अकाउंट 30 तारीख की डेट में है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब क्या है, राकेश अकाउंट को हमने, राकेश तो हमने खोला हुआ है राकेश अकाउंट, तो अब राकेश अकाउंट को क्रेडिट करना है हमने 23,520 से। ये हमने राकेश अकाउंट खोला हुआ है, राकेश अकाउंट को हमने डेबिट क्रेडिट करना है, सॉरी 23,520 रुपीज़ से, और ऊपर नरेशंस में लिखना है बाय कैश अकाउंट 23,520 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये कौन सी डेट में आएगा, 30 तारीख की डेट में, तो 23,520 ये हो गए। तो स्टूडेंट्स हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, अब हमें इसकी बैलेंसिंग निकालनी है और फिर ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। तो पहले कैश अकाउंट की बैलेंसिंग निकालते हैं स्टूडेंट्स। मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो भी एसेट्स अकाउंट हैं उनके डेबिट बैलेंस ही होंगे, मतलब डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी, तो आप डेबिट साइड में लिख सकते हो। तो मैं इसको कैलकुलेटर पर देख लेता हूँ, ये टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स 1,67,800, और इसमें से ये हम इसी टोटल को हम लिख देंगे 1,67,800। इसमें से अगर हम ये माइनस कर देते हैं 33,600, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 1,34,200। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। और कौन सी डेट आएगी स्टूडेंट बताओ, अप्रैल महीने की लास्ट डेट ऑफ द मंथ, अप्रैल 30। तो हमारा डेबिट बैलेंस ये साइड बड़ी थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 1,34,200। कौन सी डेट में लिखेंगे हम, May 1st में। यही जो बैलेंस है ये अगले महीने हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में तो वन साइड ही डी है, 1,00,000 यहाँ लिख दिया हमने डेबिट साइड में, और 1,00,000 हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। और ये आ जाएगी अप्रैल 30 की डेट, टू बैलेंस CD, और यहाँ आ जाएगा May 1st बाय बैलेंस BD। आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तभी आप लिख पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, मिस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम परचेज अकाउंट पे। परचेज अकाउंट हमारा 60,000 रुपीज़ से है, डेबिट बैलेंस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपने 60,000 लिख दिया, बाय बैलेंस CD 60,000 रुपीज़, और हमने ये है अप्रैल 30 की डेट, और 60,000 हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया टू बैलेंस BD, कौन सी डेट, यस May 1st। इनपुट CGST में भी कुछ भी नहीं है, अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 1,800 रुपीज़, और इसको ब्रॉड डाउन किया हमने May 1st की डेट में टू बैलेंस BD 1,800 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं, इनपुट में भी कुछ भी नहीं है, इनपुट SGST। मैं देखिए सारा कुछ आपको जान के कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी अपने पास ऐसे ही प्रैक्टिस करें। बाय बैलेंस CD, नहीं तो मैं भी लिख सकता हूँ कि जी आप ये ऐसे ऐसे लिख लेना, लेकिन आपको सामने करके दिखा रहा हूँ मैं। टू बैलेंस BD, डेट भी May 1st। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स,
सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा हो गया 65,000। अब देखिए ये रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने 65,000 यहाँ लिख दिया, हमने 65,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 65,000 ऊपर भी लिख देंगे, और टू बैलेंस सीडी अप्रैल 30 और May 1 बाय बैलेंस बीडी 65,000। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी देख लीजिए 009213 3660 आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो अब बैलेंस सीडी अप्रैल 30, May 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,660 रुपीज़। आउटपुट एसजीएसटी भी यही है 3,900, और यहाँ पे भी 3,900 आएगा, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 3,660 कौन सी डेट में है, अप्रैल 30 की डेट में, और यहाँ पे May 1 की डेट में क्या आ गया हमारे पास, बाय बैलेंस बीडी 3,660। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य अकाउंट, सूर्य अकाउंट आप देखेंगे दोनों साइड इक्वली आ गया हमारा, है ना, सूर्य अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। चलिए और आगे चलते हैं, इनपुट IGST 6,000, 5,400 बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 30, और ये आ गया 5,400 टू बैलेंस बीडी, कौन सी डेट आएगी, यस May 1। और आगे चलें, 28,000 राकेश अकाउंट, आप देखेंगे राकेश अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, 28,000 दोनों तरफ आ रहा है। अब ये सब अकाउंट जो हैं हमारे एक एक एंट्री वाले अकाउंट हैं, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट, स्टूडेंट्स देखिए बैंक अकाउंट एसेट्स अकाउंट होता है, लेकिन एसेट्स अकाउंट हमारा ये जो बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस जा रहा है, बैंक अकाउंट जा सकता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट दे दिया बैंक ने, या ये तो एक महीने की एंट्री है, अगले महीने ठीक हो गया होगा, इस महीने कोई कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसलिए 49,900 का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यूजली जब आप पूरे साल का निकालेंगे तो उसमें डेबिट बैलेंस ही होगा, तो अभी तो हम इसको एज इट इज़ लेके चलते हैं, ओवरड्राफ्ट मान के चलिए कि बैंक में ओवरड्राफ्ट है हमारे पास टू बैलेंस सीडी अप्रैल 30 और 49,900 हमने जगह कम छोड़ी है टू बैलेंस बीडी, सूर्य अकाउंट क्लोज कर दीजिए 5,000
5000 टू बैलेंस सी डी अप्रैल 30th मे 1st बाय बैलेंस बी डी 5000। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी कुछ नहीं है, 500 ये है टू बैलेंस बी डी अप्रैल 30 और फिर मे 1st बाय बैलेंस सी बी डी 500। यहाँ बैलेंस सी डी है स्टूडेंट्स, गलती देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय बैलेंस सी डी 4000 रुपीज़ सेल्स रिटर्न में, टोटल 4000 से कर दिया हमने, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एक्चुअली ब्रॉड डाउन और कैडेड डाउन बोलना चाहिए, इसीलिए गलती नहीं होगी अगर। ठीक है, ये है अप्रैल 30 की डेट में, ये किस डेट में था हमने डेट नहीं डाली यहाँ पे। चलिए, डिस्काउंट अलाउड ये लास्ट है, बाय बैलेंस सी डी टू बैलेंस बी डी 520 रुपीज़ और डेट आ गई मे 1st। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा ख्याल से सब पूरे हो गए हमारे, अब हम इसको फटाफट ट्रायल बैलेंस में बना के देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले एंट्री है हमारी कैश अकाउंट की, नंबरिंग डालना चाहें डाल लीजिए। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,34,200 का, तो हमने इसके डेबिट में लिख दिया। कैपिटल अकाउंट सीरियल नंबर 2, 1,00,000 रुपया है हमारा इसका क्रेडिट बैलेंस, हमने इसको क्रेडिट में लिख देते हैं। देन परचेज अकाउंट बैलेंस है इसका 60,000, हमने लिख दिया इसका डेबिट बैलेंस। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1,800 डेबिट बैलेंस, फिर 1,800 एसजीएसटी भी है, 4 नंबर सीरियल 5 नंबर सीरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा, आगे चलते हैं। सेल्स अकाउंट हमारा 65,000 से हमारा क्रेडिट बैलेंस है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट ये क्या है, 3,660 से हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और आउटपुट एसजीएसटी भी हमारा 3,660, यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 678। चलिए यहाँ तक कर ली। सूर्य अकाउंट स्टूडेंट आप देखेंगे दोनों साइड इक्वल हो गया, तो हमें ट्रायल बैलेंस में इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखते इसमें। फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट है 5,400 से हमारे पास डेबिट बैलेंस है। राकेश अकाउंट भी स्टूडेंट्स आप देखो कि दोनों साइड 28,000 से हमारी इक्वल है, तो हमें इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए मशीन अकाउंट में, 20,000 डेबिट बैलेंस है। डेबिट में लिख दिया। बैंक अकाउंट हम बात कर रहे थे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तभी ये क्रेडिट बैलेंस है,
तो यहाँ पे आप चाहे लिखना चाहो लिख लो, ओवरड्राफ्ट 49,900 से परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 500 से ये क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये 500 से क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट ये 4,000 से डेबिट बैलेंस है, फिर है लास्ट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 520 रुपये से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 520 रुपये। तो हमने सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स कर ली हैं, अब हम इनका टोटल करके देखते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो हमारा ठीक है, वरना फिर हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ हमने गलती करी है। तो मैं इनको फटाफट कैलकुलेटर से करता हूँ, ₹5,420 2,27,720। अब हम क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 1,65,360 49,900 प्लस में 5,000 प्लस में 500। चलिए थैंक गॉड हमारा टोटल टैली हो रहा है स्टूडेंट्स, मुबारक हो, इसका मतलब हमने कहीं गलती नहीं करी है, तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मैंने पूरा आपको करके दिखाया है क्वेश्चन ये, क्योंकि आप भी मैं चाहता हूँ और प्रैक्टिस करो तभी फटाफट हम कर पाएंगे। हमने GST कंसेप्ट को ले लिया है, हमने इनपुट CGST, इनपुट SGST, हमने आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और इनपुट IGST अकाउंट, हमने इनको भी हमने ट्रायल बैलेंस में लेके आए हैं। ठीक, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमने GST ट्रांजैक्शंस को लेके खूब प्रैक्टिस करी है, हमने GST ट्रांजैक्शंस की पहले जनरल एंट्री बनाई, फिर हमने उसको लेजर अकाउंट्स भी बनाया और बाद में ट्रायल बैलेंस में भी पोस्ट किया। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ आपकी GST कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों के साथ GST की ट्रांजैक्शंस लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कुछ भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।